बोरीवली के एसके रिसोर्ट के पास कावेरी स्पोर्ट्स ग्राउंड में मेवाड़ के क्रिकेट प्रेमियों के बीच 27, 28, 29 जनवरी तक खेले गए फाइनल क्रिकेट मैच का समापन 29 जनवरी को हुआ। मेवाड़ निवेशक मंडल के अध्यक्ष दीपक परमार, महामंत्री विजय कोठारी, कोषाध्यक्ष महावीर मादरेशा के नेतृत्व में आयोजन ऐतिहासिक रहा। तो वही स्पोर्ट्स कमेटी की बात करें तो संयोजक शंकर पिपाड़ा, हर्षद मेहता, महावीर सिंघवी, गौरव पोखराणा, संजय बम, भाविक मादरेचा, दीपक राजावत, पिंटू मेहता, रवि सियाल, मुकेश पामेचा, पीयूष पामेचा, मनोज सिसोदिया, नीलेश बोहरा के कुशल संयोजन में मैच का सफल आयोजन हुआ। मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष नेमी चंदाकड़, महामंत्री महावीर तातेल, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल बड़ालमिया की गौरवमय मौजूदगी रही। इस दौरान मेवाड़ संघ मुंबई के पदाधिकारियों की बात करें तो मेवाड़ भवन के अध्यक्ष दिलीप नाबेड़ा, किशन लाल परमार, सुरेश आचलिया, भेरूलाल लोढ़ा, रोशन लाल बड़ाला, महेंद्र चोरड़िया, महेंद्र पिपाड़ा, आनंद पोखाना, अक्षय हिंगड़, रवि हिंगड़, भगवती लाल पोखाना की मौजूदगी रही। तो ये थाने के मनोज मेहता, मनीष सियाल, महावीर डांगी की भी मौजूदगी रही। इसके अलावा मेवाड़ संघ मुंबई के तमाम पदाधिकारी और कार्यकारिणी टीम मौजूद रही। महिला मंडल से मेवाड़ महिला मंडल की महामंत्री कंचन एल सिंघवी अपनी पूरी महिला मंडल टीम के साथ मैच देखने पहुंची। तो ही मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई की अध्यक्ष प्रीति नाहर भी कन्या मंडल की टीम के साथ मौजूद रही। तो ही क्रिकेट टूर्नामेंट की बात करें तो कुल 31 मैच खेले गए, जिसका फाइनल मैच एसएस लायंस और सांखला किंग्स के बीच हुआ, जिसमें 6 ओवर के मैच में एसएस लायंस ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 59 रन बनाए। 60 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सांखला किंग्स की टीम ने 6 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 52 रन ही बना पाई। खेले गए विजेता टीम एसएस लायंस रही, 7 रन से फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। तो ही सेकेंड रनर टीम सांखला किंग्स रही। तो ही मैन ऑफ सीरीज मनीष सिसोदिया, बेस्ट बॉलर निशांत दुगड़, बेस्ट बैट्समैन मनीष सिंघवी, अमेजिंग प्लेयर मन जैन रहे। इस दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों और स्पोर्ट्स कमेटी स्पॉन्सर का स्वागत भी किया गया। इस पर देखिए मौर्य स्थान के संवाददाता रितेश पाठक की खास कवरेज। हमारे संपूर्ण मेवाड़ संघ के सदस्य परिवार के साथ बच्चे बूढ़े सभी बुजुर्ग सभी आएंगे यहाँ पे, और सभी हर प्रकार का मैं कोशिश करूंगा कि महिलाओं के लिए इस एसके रिसोर्ट में अलग अलग व्यवस्था है, सब अलग अलग स्पोर्ट्स की, कैरम की, टेबल टेनिस की, लॉन टेनिस की, हर तरह की व्यवस्था है। ये सब चीज़ें मैं इन्वॉल्व करूंगा, मैं हर एक को बिजी करने की कोशिश करूंगा कि महिलाएं जो गेम खेलना चाहती वो खेले, कुछ वॉलीबॉल टेनिस वाले, कैरम वाले, बिलियर्ड्स वाले, हर एक को इन्वॉल्व करूंगा मैं। ये वो स्पोर्ट्स का पूरा अलग प्लान में करूंगा, ये कोशिश करूंगा। तो एक बार सभी साथ ही मेरे पीछे खड़े, मेरे मेरी ड्रेस में खड़े हुए जो मेरे जो कमिटी मेंबर्स हैं स्पोर्ट्स, इन्होंने मुझे पहनाया, मुझे पता भी नहीं था इन्होंने ये सब व्यवस्था भी की है। इन्हें पहले सब डायरेक्ट पहना और मेरा मेजरमेंट भी पता नहीं कहाँ से लिया इन्होंने। तो सभी को धन्यवाद। ये सभी वो लोग हैं जो अभी कुछ काम में हैं, कुछ छोड़ के टेम्पररी यहाँ पे आए हैं, कुछ प्लेट की जगह मिलेंगे, कुछ ग्राउंड के बाजू मिलेंगे, कुछ स्टेज पे, कुछ गेट पे, कुछ अलग अलग डगआउट में, सब काम उनको बांटा हुआ है। हर एक के पास अलग अलग काम है जो उनके उनके काम वो कर रहे हैं, उसी वजह से ये इवेंट प्रॉपरली चल रहा है। सभी आप सभी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेवाड़ से, मुंबई की तरफ से, मैं सभी कमेटी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 2024 के लिए आपको एडवांस भले देता हूँ, आप हम नया इतिहास बने। और शंकर जी पिपाड़ा हमारे एमएलए मुंबई के स्पोर्ट्स कमेटी के हेड, इनको बहुत अच्छा तजुर्बा है, इसीलिए ये मेरे भी सीनियर है और इनको क्रिकेट का बहुत अच्छा तजुर्बा, खुद आज भी इस उम्र में ये अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। तो इनके सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इस पूरी कमेटी को हैंडल किया, सभी का दिल जीत के रखा, हर एक को सम्मान दिया और जो आयोजन किया है हमारे साथ मिलकर, वो वाकई में काबिल तारीफ है। अगले साल भी हम ऐसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 10 बॉल में अब केवल 2 रन चाहिए, 10 बॉल पे 2 रन की जरूरत। और अब गुजारिश कर रहे हैं दोस्तों हमारे मेवाड़ संघ के महामंत्री श्रीमान महावीर जी तातेड़ साहब से कि उनके आशीर्वाद वचन की। मेवाड़ प्रीमियर लीग सीजन 2 इसका आयोजन अभी जो हो रहा है वो काबिले तारीफ है।
जो मेहनत खिलाड़ियों ने की, जो मेहनत स्पोर्ट्स कमेटी ने की, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं। अभी क्वार्टर फाइनल चल रहा है और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सारे प्लेयर्स को, खेल की भावना के साथ खेलते हुए आगे बढ़ें और ट्रॉफी अपने नाम करें। मैं सभी मेवाड़ समाज को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे बुला के जो मान सम्मान दिया है, और यही कहना चाहूँगा कि कोविड के बाद आज इतना बड़े लेवल पे ये प्रोफेशनल क्रिकेट लीग आज चालू किया गया है इन्होंने, वो मैंने अभी जस्ट कहा कि स्पोर्ट्स लोगों को कनेक्ट करता है और ये समाज को बहुत अच्छी तरीके से बांधने का काम आज मेवाड़ समाज को बांधने का काम परमार जी ने किया है, उनके लिए उस काम के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सर फाइनल विजेता लेके जाएगा, जो जिसमें दम है वो लेके जाएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा माहौल है। लगभग मेवाड़ संघ के सभी सदस्य, सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है और 3 दिन से आगाज चल रहा है, आज फाइनल दिन है। मुझे लगता है अभी तक का अपना मुंबई में मेवाड़ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये टूर्नामेंट कर रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है, सभी परिवार से जुड़े हुए हैं, सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे। सर आपने कहा कि जिस तरीके से एमपीएस सीजन 2 का आगाज हुआ है, जिस तरह से नियोजित मंडल के अध्यक्ष दीपक कुमार जी पूरी टीम का कमेटी काम कर रही है, हर साल हो रहा है ये दूसरा है, पिछले साल भी बहुत शानदार रहा, इस साल और शानदार रहा और तीसरा साल जो आने वाला है उसमें तो पूरा मेवाड़ संघ का नए सम्मेलन होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, लगभग 10,000 पब्लिक होगी इसी ग्राउंड में अगले साल। और हमारी बेस्ट विशेज है MNM को, मैं खुद MNM से हूँ, MNM बनाने वाले हम 2011 में हमने हमारे न्यू के पत्थर थे तो हम 23 जन ने बनाया था, विनोद जी वड़ाला हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। और दीपक जी परमार को ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से कि उन्होंने पिछले लगातार कंटिन्यू इस मैच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया और आगे तक लेके गए। अगले साल भी उन्होंने सर लगभग सारे नाम आ चुके हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड पर लगभग सारे नाम आ चुके हैं, तो बहुत शानदार होने वाला है। जय जिनेंद्र। निवेदन करता हूँ लक्ष्मण जी सांकला, विनोद जी सांकला, टीम के कैप्टन का प्लीज आ जाए मंच की तरफ। मनोज मेहता सवाल है, एमपीएस की बात करें, एमपीएस सीजन 3 के आप टीम के ओनर श्रीमान कुलदीप की उत्सवाल सीजन 3 के और जिस तरह से आप मैच हमारे मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जो अगले साल होने वाला महाकुंभ है उसके अंदर ग्राउंड स्पॉन्सर का ये स्पॉन्सरशिप मिली है। मैं दीपक जी परमार और उनकी टीम और स्पेशली नेमी चंद जी साहब धाकड़ और महावीर जी तादेड़ का बहुत बहुत दिल से साधुवाद करना चाहूँगा। उन्होंने हम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ा और हमें वो हर पल हर क्षण हर चीज़ पे गाइड कर रहे हैं कि आप कैसे आपको क्या करना है और क्या करना है। तो एक युवा लोगों के लिए अनुभवी लोगों का जो योगदान है वो सराहनीय है और मैं MNM से जुड़ के बहुत खुश हूँ। ये जो प्रोग्राम हो रहा है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आने वाले अगले 2024 में हमारा मेवाड़ संघ की तरफ से लगभग 10,000 लोगों का यहाँ पर गैदरिंग होने वाला है। ये हमारा धाकड़ साहब ने हमारे को जस्ट सूचना दी है, इसकी ऑफिशियली सूचना नहीं समझे मेरी इस बात को, लेकिन हमारी ऐसी प्लानिंग है अगले साल हम लोग लगभग 10,000 लोगों का यहाँ पर स्नेह सम्मेलन होने वाला है। और मैं हमारे MPL से जितने आप युवा देख रहे हो आज कम से कम 250 से 300 युवा पिछले कम से कम एक महीने से इतनी प्रैक्टिस कर रहे और अपने आप को इतना मान रहे कि हम लोग भी अपने एक जो मुख्य धारा से जुड़ गए। हमारे सबका जो लक्ष्य एक ही था उसमें हम लक्ष्य में पास हुए और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और भी युवा जुड़े। अभी हमारी 16 टीम है और शायद 2-4 टीम का हमारे पास और नाम आ गया और बोलते हैं कृष्णा जी हमारे को टीम चाहिए। तो ये जो जुनून है हम चाहते हैं कि ये जुनून बरकरार रहे और दीपक जी परमार जो हमारे सबको साथ में लेके चल रहे, तो दीपक जी का हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा काम करो, थैंक यू सो मच जी। बहुत मेहनत किया इसमें और दीपक जी परमार अध्यक्ष MNM के, उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है और आज सेमीफाइनल मैच है, देखो अभी आगे का क्या होता है देखते हैं। मेवाड़ संयुक्त मंडल ने जो ये क्रिकेट का प्रीमियर लीग करा है बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा है और हम चाहते हैं अगले साल इससे भी बड़ा प्रोग्राम करें और वानखेड़े स्टेडियम में जाके कराएं बस, और इनको बहुत बहुत बधाई और आगे भी अच्छे कार्य करते रहे, धन्यवाद। जिस प्रकार से मेवाड़ नवयुवक मंडल ये आयोजन कर रहा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है, आने वाले समय में हम इससे भी बड़े ग्राउंड बड़े लेवल से कार्यक्रम कर सके। युवाओं को जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्रिकेट है और इस तरीके से युवाओं को जोड़ा है। मैं साथ ही साथ जो स्पॉन्सर जिस हिसाब से जुड़े हैं मुझे मैं सभी स्पॉन्सर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जिस हिसाब से हमारे युवाओं को सहयोग दिया आगे बढ़ाया, मेरी तरफ से मैं
इसके नवयुवक मंडल के अध्यक्ष दीपक जी परमार, महामंत्री जी विजय जी कोठारी और मेवाड़ संघ के अध्यक्ष और महामंत्री को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। देखो, मेवाड़ नवयुवक मंडल की ये जो कार्यकारिणी है बहुत ही एक एक यशस्वी और ऐतिहासिक कार्यक्रम कर रही है। हेल्प की कर रही है। क्रिकेट के मैच से सभी युवाओं को ज्वाइन करना, एकता में बांधना, ये सबसे बड़ा कार्य कर रही है। मैं नवयुवक मंडल के अध्यक्ष मंत्री कोसा अध्यक्ष पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा मेवाड़ प्रीमियर लीग जो हमारे मेवाड़ श्री संघ अध्यक्ष नेमीचंद जी साहब धाकड़ की अध्यक्षता में एवं हमारे नवयुवक अध्यक्ष सम्माननीय श्री दीपक जी परमार के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम विजय जी महावीर जी ने मिलकर जो इस क्रिकेट को अंजाम दिया, सचमुच हमारे मेवाड़ के लिए मुंबई नगरी में एक गौरवपूर्ण क्षण है, जिसमें इन्होंने हमारे नवयुवक को क्रिकेट के माध्यम से एक स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी की ऐसी आवाज़ मुंबई नगरी में बिछाई है जिसके लिए हमेशा इनका ये अध्यक्षीय कार्यकाल याद किया जाएगा। और हमारे नवयुवक को धर्म के माध्यम से क्रिकेट ने इस तरह से जोड़ा कि संघ समाज में आज हमारे मेवाड़ का चहु और नाम है। और क्रिकेट का आज का जो ये फाइनल राउंड जो चल रहा है, इस फिनाले राउंड में हमारे देखते हैं सांखला एंड टीम एवं उनके साथ में ओस्तवाल एंड टीम, शायद अभी खेल के मैदान में उनकी धुरंधरी चल रही है, तो देखते हैं आगे आज हमारे MPL का कौन विजेता बनकर आता है। तो इसके साथ हमारी सभी बहनों ने भी आज के इस क्रिकेट मैच में खूब आनंद लिया, सभी ने अपनी सहभागी निभाई और विशेषकर हमारे M4 की कमिटी मेंबर, सभी अध्यक्ष मंत्री और बोरीवली से भी हमारे सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी भूमिका महिला मंडल से हर जगह निभाई है और निभा रहे हैं। और हार्दिक बधाइयां हम M4 की तरफ से हमारी अध्यक्षा कंचन जी एस सिंघवी की पूरी टीम की तरफ से हम बधाइयां प्रेषित करते हैं कि आगे भी भविष्य में हमारे नवयुवक का ये सिलसिला इसी तरह अपना कारवा दिखाता रहे। इसी के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जो नवयुवक मंडल ने अध्यक्ष दीपक जी परमार ने ये आयोजन किया है MPL सीजन 2 का, ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड हो चुका है पिछले सीजन से। जैसे कि मैं लास्ट 2 डेज से ये प्रोग्राम अटेंड कर रही हूँ, कहीं ना कहीं एक जोश जो पार्टिसिपेंट्स में जोश है वो बढ़ता जा रहा है, जीतने की जो उम्मीद है और जीतने का जो जोश है कहीं ना कहीं वो एंथुसियाज्म बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ जो पब्लिक आज यहाँ पर जुड़ी हुई है इन पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आई हुई है, सिर्फ वो इसलिए बिकॉज ये मेवाड़ संघ का पूरे मेवाड़ समाज का टूर्नामेंट है और यहाँ पे सारे एक जैसे हैं। और जो मेवाड़ नवयुवक मंडल ने एक ये राह चुनी है सारे नवयुवकों को एक साथ लाने की, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस इवेंट के माध्यम से, इस इतने बड़े इवेंट के माध्यम से हमें सबसे मिलने का भी एक मौका मिला है और फिर से एक बार समाज पूरा एक साथ यहाँ पे खड़ा है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है और बहुत सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है। और जैसे कि हमें पता चला है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट की तैयारी भी ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में हो चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा समाज इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए फिर से MNM मुंबई को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मेवाड़ कन्या मंडल की। सर, काफ़ी चैलेंजिंग था मैच, लास्ट ओवर तक मैच गया, लास्ट बॉल तक मैच गया, ये क्या बोलूँ, सबसे बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट था, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था सर। सेकंड रनर में क्या कमियां सर? कोई कमियां नहीं, मेरी अपनी टीम थी, दोनों टीमें मेरी खुद की थी और 100% एफर्ट्स डाला है। MPL के बाद आगे की तैयारी क्या है? IPL सर, मैंने आपको बोला ना MPL 3, IPL से कम नहीं हमारा MPL। नहीं नहीं, हारे नहीं, हम लोग जीते ही है, एक ही टीम थी, दोनों भाई भाई थे, तो ऐसे कुछ ये नहीं, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं है, दोनों ही जीते और बहुत मज़ा आया, बहुत खेले, बहुत इंजरीज भी हुई है, पर एट द एंड बहुत 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 ज़्यादा मज़ा और बहुत खुश है। क्या कमियां रह गई जो हम? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी कमियां नहीं है फिलहाल, तो कुछ भी कमी नहीं लगी अब तक। सेकंड रनर तक आई, इतना कठिन जो है ग्रैंड फिनाले था, काफ़ी टीम यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, आप यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, टीम एफर्ट था पूरा और हमारे ओनर का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस रखे, टाइम दिया, बहुत सब टीम बहुत दूर दूर से आए, सब अलग अलग जगह से एक जगह आए, बहुत प्रैक्टिस की, अभी भी बहुत सपोर्ट किया, 14 थे, 14 में 11 ही खेलने था, टीम को बिठाना था, तो उन्होंने भी एकदम अच्छे से लिया, वो बैठे, तो बहुत बहुत टीम। अगला MPL 3 सीजन के लिए क्या तैयारियां करेंगे? अभी तो बहुत दूर है, अभी देखते हैं, फिलहाल तो कुछ नहीं।
बधाई देना चाहता हूँ, कांग्रेस करना चाहता हूँ मेरे दोस्त लक्ष्मण जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी सांगला, जिनकी टीम एसएस लायंस ने आज जो कप इनके नाम लिए किया है, जो मेरे पास है ये लेके जा रहे हैं, और साथ ही जितने भी लोग, जितनी भी टीम्स इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है, जो भी जिसने हिस्सा लिया, उन सभी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि लक्ष्मण जी का तो पैर में आज इंजरी हो गया, वो खेल नहीं पाया, लेकिन लास्ट के मैच इनकी जो टीम ने खेला वाकई काबिल तारीफ था। इनका इनके इनका सामना इन्हीं इनके साथ ही था, खुद के साथ ही था, मतलब इनके खुद के भाई की टीम के साथ, जो कोई बात नहीं, बड़ा भाई होता है, उन्होंने साबित किया तो कोई बात नहीं। तो ये जो आयोजन रहा 3 दिन का, ये सब जो मेरे दोस्त हैं विजय भाई, लक्ष्मण और कमेटी, स्पोर्ट्स कमेटी, सब पूरी टीम ने जो काम किया उनको धन्यवाद। वाकई में हमने सोचा और हमको पूरा संघ का सहयोग रहा, जो लोग हज़ारों की तादाद में आए उनके उनको भी धन्यवाद करता हूँ। साथ में सबसे खुशी की बात है 2024 के लिए हमको जो मुँह मांगी कीमत के स्पॉन्सर चाहिए थे वो हमको पूरे पूरे मिल चुके हैं। ये लोगों का हमारे पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, जो सोचते कि जितना चाहिए उतना पैसा इनके ऊपर स्पॉन्सरशिप लगा देते। तो मैं संघ के उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ, देना चाहता हूँ, और साथ में 16 टीम में ऑनर्स को भी धन्यवाद देता हूँ, और जितने भी ऑडियंस, जितने भी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हो इस प्रोग्राम में, जितने भी मदद की, हेल्प की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार वापस मैं लक्ष्मण जी को इस जीत की बधाई देना चाहता हूँ। 2023 का जो है समापन क्या कहा जा सकता है, 2024 का आगाज कहा जा सकता है हमेशा के लिए क्या जी हमेशा है। मैंने मुंबई का एक काम रहा है, एक आदत रहा है, एक स्टाइल रहा है कि आप जो चीज़ शुरू करते हो जब वो उसके एंड में अगले की उसी की प्लानिंग चालू हो जाती है, ताकि बार बार उसी के लिए मेहनत नहीं की जाए, क्योंकि जो माहौल है उसी माहौल में अगले की बात करें तो लोग भी बोलते हैं हाँ अगले भी हम साथ में गिरेंगे। तो एक तरीका रहा है, यही सफलता है, यही एक वादा किया कि इससे बेस्ट होगा, यहाँ तक की बात आई है जी, हमेशा वानखेड़े स्टेडियम में करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट होगा, क्योंकि पिछले साल हमको लगा सबसे बेस्ट ये था, लेकिन अब लगा कि वो तो कुछ भी नहीं था। तो 2024 का अंदाजा लगा सकते हो। साथ ही नेमीचंद जी धाकड़, जो हमारे मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो कार्यकाल का आखिरी समय होगा और 3 साल में एक स्नेह सम्मेलन करना होता है, प्रोटोकॉल है हमारे समाज का, तो 3 साल का मेवाड़ संघ मुंबई का स्नेह सम्मेलन भी उसी दौरान उसी समय में होगा, ताकि 10,000 से भी ज़्यादा लोग, मेवाड़ संघ मुंबई के लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। आज जो क्रिकेट मैच का जो अंतिम फाइनल हुआ है उसमें जो भी टीम जीती है सांकला परिवार की, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ हृदय से, और पूरे मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से सांकला परिवार को, मचिन के जो सांकला परिवार, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोनों भाइयों के बीच में था मैच, लेकिन खिलाड़ी ने जो आनंद लिया, जो एक जिस प्रकार से खेलना चाहिए उसी प्रकार से वो खेले, और उन्होंने वास्तव में 3 दिन का जो मैच हुआ दीपक जी परमार के नेतृत्व में, विजय जी कोठारी, महावीर जी मादरेचा, शंकर जी कुपवाड़ा एवं उनकी पूरी नवयुक्त मंडल की, पूरी नवयुक्त मंडल की जो टीम थी, इन्होंने जो काम किया, और हमारे अध्यक्ष जी नेमीचंद सर धाकड़ के नेतृत्व में ये जो काम हुआ सुपर डुपर, और हमें लगता है कि हमारे 2 साल के कार्यकाल में ये एक और इतिहास बन गया। ये तो हमारे नेमीचंद सर धाकड़ का एक बहुत बड़ा, मतलब कहते जादू है, जिसको फोन करते हैं आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखानी है तो कोई ना नहीं बोलता है। 2024 के लिए सारे के सारे स्पॉन्सर आज ही तैयार हो गए हैं, और ये सब हमारे नेमीचंद जी धाकड़ साहब का करिश्मा है, महाकुंभ करने वाले हैं, करिश्मा है, और 2024 में नेमीचंद सर धाकड़, और हमारी पूरी इच्छा है कि आने वाले टाइम पे हम 2024 में क्रिकेट मैच भी होंगे, आउटडोर गेम भी होंगे, इंडोर गेम भी होंगे, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा मेवाड़ संघ मुंबई का सम्मेलन, जिसके अंदर मेवाड़ संघ के जितने भी सदस्य हैं से परिवार उसमें आमंत्रित होंगे, और उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक फन फेयर जैसा होगा, ताकि लोग याद रखेंगे वर्षों तक वास्तव में कुछ स्नेह सम्मेलन हुआ है। मेवाड़ संप्रदाय की सभी संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों को हम बुलाएंगे पूरे भारतवर्ष से। सर यहाँ जो एम्पियर सीजन 2 खत्म हुआ है, सीजन 3 के लिए आपने भी से स्पॉन्सर खड़ा कर दिया, उसके लिए क्या करना? बस ये सब गुरुदेव की कृपा है, सभी जैसा बोलते सभी नाम लिखा देते हैं, और एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम करना है, और मेवाड़ संघ का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करना है, यही हमारा सपना है। गुरुदेव अम्बे शोभा के मदन की हमारे ऊपर कृपा है। जय जी गुरुदेव शोभा की मुनि जी महाराज साहब का जो सपना था मेवाड़ संघ मुंबई को आगे बढ़े, उसके लिए हमारे नेमीचंद सर धाकड़ ने दिन रात मेहनत की है, और ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद था कि आज नेमीचंद सर धाकड़ इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, और आगे भी आने वाले समय में 1 साल के अंदर वो करके जाएंगे, इतिहास बना के जाएंगे, आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी वास्तव में वो नेमीचंद सर धाकड़ का कार्यकाल हुआ है।